आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5, जिसके प्रश्नावली 5.2 का 13वां सवाल। सवाल शुरू करने से पहले, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इससे पढ़ सके। अब शुरू करते हैं हम हमारा सवाल। सवाल है 13वां। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है, पहले हम उन्हें लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है? 100 से शुरू हो जाती है और 999 पे ख़त्म होती है 3 अंकों वाली संख्याएं। तो हमें उनमें से 7 से विभाज्य संख्याओं को लेना है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, भाग लगा के पहले देख सकते हैं। जैसे यदि हम सबसे पहले अगर 100 को देखें, क्योंकि 3 अंक वाली संख्या है 100 से शुरू हो जाती है, तो अगर 100 में 7 का भाग लगा के देखें तो कितना आता है? 7 एकम 7 बचा 3 0, 7 चौक 28 बचा 2। तो जब 100 में हम 7 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग लगने के बाद 2 और बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है देखा जाए तो 98 तक पहुँच चुके हैं हम। 7 से भाग 98 में लग सकता है, इसके अलावा 2 शेष बच जाएगा आखिरी में। तो ये जो 2 बचा है, और टोटल अगर हम 7 की बात करें तो 5 और चाहिए या नहीं हमें, क्योंकि 2 तो हमारे पास शेषफल में बचा ही है। 5 यदि और बचता तो फिर 7 से भाग लग सकता था। तो 2 तो है ही सही, मतलब 5 की और ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 5 को इस 100 के अंदर जोड़ देंगे। तो 5 को यदि 100 के अंदर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 105। मतलब पहली संख्या कौन सी रहेगी जो 7 से विभाज्य है? 105। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 105। 105 के बाद अब 7-7 के अंतर पे हम संख्याओं को लेते जाएंगे। तो 105 के बाद अगर 7 और जोड़ें इसमें तो कितना आ जाएगा? 112। 112 में 7 और जोड़ा तो 119। इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं रहेगी। अब एक हम आखिरी वाली संख्या भी लिख सकते हैं। हमने अगर देखा कि 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है और कहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाती है? 999 पे। तो अब हम इस 999 में भी 7 से भाग लगा के देख लेते हैं, जैसे हमने 100 में लगा के देखा था। तो 7 एकम 7 बचा 2 7 चौक 28 बचा 1, फिर 7 दूनी 14 बचा 5। तो देखो, इस बार पूरा पूरा भाग जो लगा है वो किस संख्या में लगा होगा? 999 में पूरा पूरा भाग नहीं लगा है, बल्कि 5 शेषफल के रूप में हमारे पास बच चुका है। तो ये 5 को हम अगर इसमें से घटा दें 999 में, तो जो संख्या होगी वो 7 से विभाज्य वाली संख्या ही होगी, क्योंकि ये 5 तो बच चुका है, मतलब ज़्यादा बच गया हमारे पास। तो अगर ये ज़्यादा बच गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को इस 999 में से घटा के देख लें। अगर 999 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास बचता कितना है? 994। तो ये 994 7 से विभाज्य वाली संख्या है। तो हम लास्ट वाली संख्या क्या लिख लेंगे? 994। तो इस तरीके से हमने 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं लिख ली सारी। अब यहां करके हम सारे मानों को लिख लेंगे पहले। जैसे प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर कितना है हमारे पास? 105।
उसके बाद सार्व अंतर यानी डी का मान। तो सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, यानी 112 में से हम घटा देंगे कितना 105, तो घटाने पे कितना बचेगा 7। और एक अंतिम पद भी हमें नजर आ रहा है कितना है 994, तो अंतिम पद को काय से दर्शाते हैं L से, मतलब L का मान है 994। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना था कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कितनी संख्याएं मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पदों की संख्या को हम काय से दर्शाते हैं n से, इसलिए कितनी संख्याएं मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सूत्र लगाएंगे हम इस L के लिए, तो L यानी अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, सूत्र वही होता है जो nवा पद यानी an का होता था। तो सूत्र क्या था, वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सूत्र an के लिए भी था, यही सूत्र a के लिए L के लिए भी है। अब इस सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे L की जगह L का मान रख दो 994 बराबर a की जगह a का मान 105 प्लस n को ऐसे ही लिखेंगे हम क्योंकि n तो ज्ञात करना है, माइनस एक भी ऐसे ही, गुणित d का मान है 7। अब 994 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, बराबर का 105 भी ऐसे ही लिख देंगे प्लस, अब 7 ये किसके गुणे में है, n माइनस वन के गुणे में, तो n माइनस वन के गुणे में मतलब इस 7 का गुणा हम n में भी करेंगे और 7 का गुणा 1 में भी करेंगे। तो जब n में करा तो ये हो गया 7n और माइनस 7 का जब 1 में गुणा किया तो आया 7। अब ये 994 हम ऐसे ही लिखेंगे फिर से, अब ये 105 प्लस का और ये 7 माइनस का है, तो घट जाएंगे ये 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98, और ये n वाली संख्या ऐसे ही लिख लेते हैं 7n। अब मान हमें n का निकालना है, इसलिए हम n वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे और बिना n वाली संख्याओं को दूसरी तरफ, तो 7n अभी प्लस का है, जब इधर लाएंगे इसे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ 98 तो पहले से था ही सही, अब उस 994 को भी हम इधर ला रहे हैं, तो वो 994 अभी प्लस का है लेकिन इधर लाने पे उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, यानी वो हो जाएगा माइनस का 994। तो माइनस का 7n तो हम ऐसे लिखेंगे, अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है यानी हमें घटाना है, तो 994 में से यदि 98 घटाएं तो कितना बचता है 896, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह माइनस करेगा। अब माइनस से माइनस तो काट देंगे तो n बराबर बचेगा 896 और 7 को ले आएंगे हम 896 के बटे में, तो अब 7 से यदि 896 को काटें तो 7 एकम 7 लेकिन यहाँ तो है 8, मतलब 1 बचा, तो 1 और 9 मिला के बन गया 19, तो 7 दुनी 14 लेकिन है यहाँ 19, मतलब 5 ज़्यादा है, तो 5 और 6 मिला के बन गया 56, तो 7 ही 8 ही 56, यानी हमारे पास कितना आया n बराबर आया 128। यही n का मान ही हमें ज्ञात करना था। तो आखिरी में अब हम उत्तर लिख सकते हैं, अतः क्या था प्रश्न लिखा हुआ, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो हम लिख देंगे तीन अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो लिख देते हैं तीन अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। यह है इसका आंसर। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।